उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई हत्या, क्राइम, अपराध और इसी को लेकर उठते सवालिया निशान। चलिए डालते हैं नजर उत्तर प्रदेश के आपराधिक खबरों पर। बागपत में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए 9 नामजद लोगों सहित 31 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि हमलावरों के वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया, उसी आधार पर नाम ढूंढे गए हैं। दरअसल 20 किलो आटे को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसमें बदमाशों ने पहले गांव में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, फिर गोली मारकर बीजेपी नेता के बेटे की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पूरे गांव में दहशत फैल गई, लेकिन जिस दौरान ये बदमाश भाग रहे थे उसी दौरान ग्रामीणों ने पीट पीट कर इनमें से 2 बदमाशों की हत्या कर दी है। लेकिन ये बदमाश इतने दबंग थे, इन्होंने पूरे गांव में तहलका मचा दिया और जिस तरह से इन्होंने वहां पर हमला किया, विवाद हुआ, अंधाधुंध फायरिंग की, उससे पूरे गांव में लोग परेशान हो गए। अब पुलिस ने FIR लिखकर 9 लोगों को नामजद और 31 लोगों पर FIR दर्ज की है बीजेपी के नेता के बेटे की हत्या के मामले को लेकर।